ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने सिंधिया कांग्रेस पर मुखर हुए। सिंधिया ने कहा, जो लोग अपने आप को जोड़ने में सक्षम ना हो वो लोग क्या भारत को जोड़ेंगे, क्या विकास करेंगे। सिंधिया यही नहीं रुके, सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी चीजों को सहेजने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ दलितों से वोट बटोरने का काम किया और आज समाज को बांटने का काम कर रही है। मातृशक्ति हमारी कन्याएं, हमारे देश का गौरव केवल नहीं लेकिन हमारे देश के भविष्य है। मातृशक्ति की क्षमता के आधार पे ही भारत अग्रसर होगा और हमारी सरकार की यही विचारधारा है, चाहे प्रदेश में शिवराज सिंह जी की हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो, कि एक एक नागरिक को देश के योगदान के लिए हमें प्रोत्साहित करना हो। उदाहरण के तौर पर आज जिस विमान पे मैं आया हूँ, जो एयरबस इंडिगो का विमान दिल्ली से ग्वालियर आया है, उसका कप्तान और कमांडर भी हमारी एक सर्वश्रेष्ठ महिला रही। हमारे देश में 15% हमारे पायलट्स हमारी महिलाएं हैं, विश्व में औसत केवल 5% है लेकिन भारत में औसत 15% है। तो महिलाओं को देश की प्रगति और योगदान में अग्रसर होकर आगे आना, महिलाओं का उत्थान करना, उनको मजबूती प्रदान करना, ये भी आज समय की मांग और समय की पुकार। कमलनाथ जी भी आए हैं आज, वो भी संत शिरोमणि का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मतलब फैलाने का काम कर रहे हैं और ये भी बात हुई और आज कमलनाथ, देखिए जो लोग आज कमलनाथ जी लोग अपने आप को जो लोग अपने आप को जोड़ने में सक्षम ना हो वो लोग क्या भारत को जोड़ेंगे। कमलनाथ जी तो आज घूम रहे हैं पूरा, तो होने का सेंटेंस है, वो लोग क्या विकास ला पाएंगे, वो लोग क्या देश को जोड़ पाएंगे। यात्रा जिस राज्य में चलती थी वहाँ दृश्य दिखता था, सभी को वहाँ साथ चलते हुए, और जैसे यात्रा निकली सबके सब बिखर गए। यही असलियत है उस दल की और उस भारत जोड़ो यात्रा की। और कमलनाथ जी आज ग्वालियर आए हैं, मुरैना के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है, उनका सदैव स्वागत है। ग्वालियर का बहुत पुराना इतिहास है, अतिथियों का स्वागत किया जाता है। कमलनाथ जी ग्वालियर के अतिथि हैं, उनका स्वागत जरूर होना चाहिए, पर अतिथि अतिथि होता है। कहीं ना कहीं संत रविदास जी को लेके वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जैसा जो फूल सिंह बरैया बार बार बयान दे रहे हैं, फूल वो तो दाना फेंकेंगे करेंगे। देखिए असलियत प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में शायद हमसे ज्यादा अच्छा आप जानते हैं। जिस दल ने हर शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया, जिस प्रधानमंत्री ने जीवन भर सामाजिक समरसता का संघर्ष किया, समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, जिस प्रधानमंत्री ने हर समाज के संत के लिए स्थान दिया हो और उनको राष्ट्र में नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर किया हो, बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान और उनका मान विश्व पटल पर बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुंबई में इतना बड़ा प्रांगण और इतना बड़ा ऑडिटोरियम महान बाबा साहब जी के स्मृति में समर्पित प्रधानमंत्री जी ने किया है, विदेश में जो पार्टी 70 साल सत्ता में थी एक कदम नहीं उठाया लेकिन बाबा साहब का घर को वापस भारत की पहचान दिलवाई और उसे पूर्ण रूप से उसका जीर्णोद्धार किया वो प्रधानमंत्री जी ने किया। मंच से मैंने उदाहरण दिया था, वाल्मीकि समाज का पहला प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजा गया
तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया सुमित्रा जी के रूप में। पर यह है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। जो दल आज समाज के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है, जब सत्ता में थी तो समाज को बांटने का काम किया था। अगर समाज को एक करके उनका विकास और उत्थान किया है एक एक योजना के तहत, तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संत रविदास जयंती कार्यक्रम स्थल पहुंचे। लक्ष्मण तलैया स्थित संत रविदास के मंदिर में सिंधिया ने संत रविदास की आरती उतारी और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कन्याओं को भोजन भी परोसते नजर आए। रविदास जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।